हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने वाले हैं, दोस्तों आपकी आंसर शीट का एक सैंपल मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको फ्रंट पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना फ्रंट पेज फिलअप करने के टाइम पे बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका 15 से 20 मिनट का नुकसान हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर को उस स्टूडेंट को नई आंसर शीट देनी पड़ती है। सो आपका इस तरह से टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आप सिर्फ ये 4 से 5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, जिससे आप जाकर तुरंत अपना फ्रंट पेज इजीली फिलअप कर पाएंगे। सो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फ्रेंड्स, ये है आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, और जिस टाइम पे आप इसे फिलअप करने के लिए बैठेंगे, आपको बहुत से कन्फ्यूजन होंगे। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोग्राम कोड कोर्स टाइटल इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना साइन करने के टाइम पे मिस्टेक कर देते हैं। आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में साइन करना चाहिए, उसके बजाय आप सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर में साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके इन्विजिलेटर को फिर आपको नई आंसर शीट देनी पड़ जाती है। दोस्तों, आपको इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर इन फिगर्स, यहाँ पे आप अपने 9 या फिर 10 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे। इसके बाद में इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, जो आपने अपने इनरोलमेंट नंबर अभी फिगर्स में लिखे हैं, उसी को एक एक जो फिगर है उसको यहाँ पे नीचे इन वर्ड्स लिख देंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर कोड, जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपने एग्जामिनेशन देने के लिए पहुँचे हैं, आपकी होल टिकट में उसका एक एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखा हुआ है, वो कोड आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में डे एंड डेट, दिन तथा दिनांक, आप किस दिन एग्जाम देने के लिए गए हैं, उस दिन कौन सा वार है, सोमवार है, मंगल है, बुध है, जो भी, और जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में आपका आएगा प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड में आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा, जिस भी प्रोग्राम कोड के लिए आप अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि बीए के स्टूडेंट है तो बीए लिखेंगे, बीएससी जी प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो बीएससी जी लिखेंगे, एमए वाले एमए, एमकॉम वाले एमकॉम लिखेंगे। जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न होता है कोर्स कोड में कि कोर्स कोड क्या होगा। कोर्स कोड होता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट कोड। जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं, वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे अभी आपको मेंशन करना होगा। जैसे ESO 13 है या फिर EPA 11 है, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो लिख देंगे। इसके बाद में कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल में जो आपका सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट का नाम होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में मीडियम, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, आप अपने आंसर्स अभी किस मीडियम में लिखने वाले हैं, हिंदी मीडियम में लिखेंगे या फिर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर्स, कुछ ऐसे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके लिए अदर लैंग्वेज में भी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाता है, तो इसके लिए अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद में आ जाता है आपका नंबर ऑफ आंसर बुक्स। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस बार से आपको एक भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट्स नहीं मिलेंगी। इसके बाद में आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के ऊपर जो लाइन बनी हुई है उस पर आपको अपना साइन कर देना है। दोस्तों, इस बार आपने अपनी हॉल टिकट भी चेक की होगी, आपके हॉल टिकट में भी पॉइंट नंबर 16 में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है, नो सप्लीमेंट्री आंसर सीट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी केस। आपको आपकी जो आंसर सीट 30 पेजेस की होगी, उसी में अपने आंसर्स कंप्लीट करने होंगे, आपको अलग से सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में आपकी आंसर सीट के बैक साइड में जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको अपनी आंसर सीट में अलग से कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, आपको ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें
पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो आप सभी स्टूडेंट को अपना फ्रंट पेज फिलअप करने के टाइम पे होती है, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। दोस्तों काफ़ी ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे जहाँ पे कि लेटेस्ट वाली आंसर शीट पहुँच गई हैं, जिसमें 30 पेजेस हैं और वो पोर्ट्रेट में रहेगी, लैंडस्केप में नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे कि ओल्ड वाली आंसर शीट्स जो कि लैंडस्केप में होती थी वो अवेलेबल हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पोर्ट्रेट हो या फिर लैंडस्केप, आपको उतना ही स्पेस मिलेगा जितना कि दूसरे स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। सो दोस्तों आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से लिख कर आएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से आपके एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को अपने आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली अपना फ्रंट पेज फिलअप कर पाएं। दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।